नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। एनसीईआरटी भूगोल के श्रृंखला में ये छठवीं क्लास का सातवां चैप्टर है और जो इसका विषय है वो हमारा देश अपना भारत है। इससे जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इस चैप्टर से पहले जितने भी चैप्टर हो चुके हैं अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो प्रीवियस चैप्टर अभी निकला है छठा चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर हमारा देश भारत। चैप्टर 7 यानी कि हमारा देश भारत, इसमें हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तो उसमें से पहला जो चीज हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा भारत की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति उसकी क्या है। दूसरा, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं वो देखने को मिलेगा। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन देखने को मिलेगा और भौतिक विभाजन देखने को मिलेगा। तो भारत की भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में क्या क्या चीजें हैं। तो उत्तर में क्या है, हिमालय की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं और पश्चिम में अरब सागर, और पूरब साइड में क्या है, पूरब के साइड है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर। तो भारत क्या है कि एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। तो इसके अनुसार क्या है कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। भारत की अगर लंबाई और चौड़ाई देखी जाए तो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। और इधर अगर देखेंगे पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब से पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसका जो विस्तार है, जो चौड़ाई है वो 2900 किलोमीटर है। भारत क्या है कि भारत एक जो है विविधतापूर्ण देश है और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग, द्वीप समूह, स्थल रूपों की विभिन्नता को ये दर्शाता है। यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत ही भिन्नता देखने को मिलती है, और इसी भिन्नता में ही हम एकता को अपनाते हैं और एकता को पाते हैं जो हमारी भारतीय परंपरा को दर्शाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं और 2011 से अब तक भारत की आबादी 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब हम देखते हैं क्या भारत की स्थिति। तो यह है वर्ल्ड मैप, ये पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप है। तो सबसे पहले हम भारत की जो स्थिति है वो विश्व के आधार पर या हमारे अपने पृथ्वी के आधार पर देखेंगे कि वो किस गोलार्ध में आता है। तो इसके लिए क्या है कि हमें इसके मध्य से एक भूमध्य रेखा खींचनी होगी। तो ये जो रेखा मैंने अभी खींची है इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर का जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे दक्षिण की ओर इसको बोलते हैं क्या, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो देश है ये किस गोलार्ध में आता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवा है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब ये कितने डिग्री पर है, तो ये 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था अक्षांश एवं देशांतर। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार इसको देख लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और पश्चिम से पूरब की ओर की अगर हम बात करें, तो इधर जो गुजरात है, देशांतर रेखा जो गुजरती है वो कितने से होकर के गुजरती है, वो
68 डिग्री 7 मिनट, ये यहाँ गुजरात से, और कहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के पास कितना है? इसका देशांतर है कितने डिग्री है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूरब। तो इस तरीके से हमारा हमारे देश का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देखने को मिलता है। तो इससे पहले के चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था भारत मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कहाँ से गुजरता है, वो IST देशांतरीय जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है। कितने डिग्री पर है ये, तो ये पड़ता है 82.5 डिग्री। अब ऐसा क्यों किया गया था, IST को क्यों सेलेक्ट किया गया, उसका कारण है क्योंकि हमारे भारत देश का जो अक्षांश देशांतरीय जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक का है, तो इसके अनुसार इसके बीच का जो अंतर हुआ लगभग 29 डिग्री का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 29 डिग्री के अंतर पर अगर देखेंगे तो समय में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो इसी समस्या से बचने के लिए IST को मानक माना गया। तो स्थिति को लेकर के इतनी मुख्य बात थी। अब देखते हैं हम भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के टोटल कितने पड़ोसी देश हैं, तो टोटल 7 पड़ोसी देश हैं। तो ये 7ों देश कौन कौन से हैं, तो पहला है जैसे पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चाइना, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश और 7वां है म्यांमार। तो ये 7 देशों के साथ भारत अपना सीमा साझा करता है। और दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और श्रीलंका और भारत के बीच का जो अलगाव है वो पाक जल संधि के द्वारा है। आगे देखते हैं अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। तो भारत एक विशाल देश है, तो प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में जो राज्यों का विभाजन हुआ है उसका जो मुख्य आधार है वो वहाँ की भाषाएं हैं। तो भाषाओं के आधार पर राज्यों का विभाजन किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। और इन राज्यों का पुनः विभाजन किया गया, तो राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब देखते हैं भौतिक विभाजन। तो भारत के भौतिक विभाजन को समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि भारत में किस प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती। तो जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट एवं द्वीप समूह। तो भारत के उत्तरी भाग में अगर देखें, इस साइड देखें, तो यहाँ पर हमें हिमालय की श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। हिमालय का मतलब क्या हुआ, तो हिमालय को हम लिख सकते हैं हिम प्लस आलय, मतलब बर्फ का घर। तो हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। तो सबसे उत्तर में जो स्थित हिमालय है उसको हम क्या बोलते हैं, वृहद हिमालय या फिर हिमाद्री कहा जाता है। तो इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर भी शामिल है। तो विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। दूसरी श्रृंखला है जिसका नाम है मध्य हिमालय या फिर हिमाचल, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल। ये जो भाग है ये कहाँ पर है, ये दक्षिण में स्थित है। तो मध्य हिमालय कहाँ पर आएगा, ये इसके बीच वाले भाग में आएगा। तो ये हो गया मध्य हिमालय, पहला हो गया बृहद हिमालय, दूसरा हो गया मध्य हिमालय और तीसरा हो गया उसको हम बोलते क्या, शिवालिक श्रेणियां, ये सबसे दक्षिण में स्थित है। अब हिमालय के दक्षिणी भाग में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। तो भारत का जो मैदानी भाग है वो देखिए यहाँ से ये है, तो भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। तो ये भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण किसकी वजह से होता है, तो इसमें कई सहायक नदियां हैं। तो जैसे सिंधु है नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो क्या करती हैं, तो ये सब नदियां अपने साथ जो है जलोढ़ निक्षेप को लेकर के आती हैं, और ये मैदान इन्हीं जलोढ़ निक्षेपों से ही निर्मित होता है। और ये जलोढ़ मिट्टी कृषि के उद्देश्य से बहुत ही उपयोगी है। इस भाग में आने वाले जितने भी राज्य हैं वहां पर फसल की पैदावार अच्छी देखी जाती है। और सपाट होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही आसान है नगरीकरण करना, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होने की वजह से यहाँ पर
वनस्पति की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है जिनकी आकृति त्रिभुजाकार है। पठार होने की वजह से इसका जो धरातल है वो काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां देखने को मिलती हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। मैप पे देखें अरावली श्रृंखला कहाँ पर है तो ये है, ये अरावली श्रृंखला ये है। और ये अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला के दक्षिण में विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला देखने को मिलती है, ये यहाँ पर स्थित है, ये जो मैंने मार्क किया अभी। अब इन श्रृंखला से दो नदियां निकलती हैं, कौन सी, एक नर्मदा है और एक तापी है। अब ये नर्मदा और तापी का जो बहाव है वो पश्चिम की ओर है, ये इस साइड की ओर गिरती है, ये अरब के अरब सागर में जाकर के समाप्त होती है। और इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री, ये एरिया है पूरा, ये पश्चिमी घाट का है और इधर का जो एरिया है वो पूर्वी घाट का है। तो इसको क्या बोला जाता है, सह्याद्री भी बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। तो जो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो बनावट है एक समान रूप में है, और जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और ये असमान है। अब इन पठारों में खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, ये प्राप्त होते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में यानी कि ये, और पूर्वी घाट के पूर्व में यानी कि ये वाला रीजन, ये पूरा जो तट मैदान मैदानी भाग है। तो ये तटीय मैदान पूर्वी घाट के पूर्व में और पश्चिमी घाट के पश्चिम में ये प्राप्त होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। जो पूर्वीय तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत क्या है, वो चौड़े हैं। वहां पे पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। अब पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियों में कौन कौन सी है, एक है महानदी, फिर है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये चारों नदियां कहाँ गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये डेल्टा बहुत ही उपजाऊ होता है बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां अपने मुहाने पर एक बहुत ही प्रसिद्ध डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। भारत में दो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, यहाँ का एरिया ये अरब सागर में स्थित है। और यह जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, इसको क्या बोलते हैं, प्रवाल द्वीप भी बोलते हैं। और अंडमान निकोबार, इधर का जो एरिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर, हमारा देश भारत, यहाँ पे कम्प्लीट हुआ। इसके बाद जो चैप्टर है वो भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी है, इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।